नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी को सुनने के बाद आपको चार ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन में बड़ी प्रेरणादायक रहेंगी, और ये चार बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये चार बातें ऐसी हैं जो हर इंसान को इन बातों पर अमल करना चाहिए। ये एक चिड़िया की कहानी है। चिड़िया अंत में चार बात ऐसी कहती है जो हर इंसान को इन बातों पर अमल करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चिड़िया की इन चार बातों पर अमल करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहता, और कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाता, और कभी भी जीवन में असफलता नहीं होती, और हर कार्य में वो बड़ी आसानी से सफलता पा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उनको कहानी का कोई सार समझ में नहीं आता। प्रिय दर्शकों, कहानी हमारे जीवन में हमें अच्छी प्रेरणाएं देती हैं। कहानी हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती हैं। कहानी हमें हमारे जीवन में गलत काम करने से रोकती हैं, इसलिए कहानी को पूरा सुना करें। प्रिय दर्शकों, कहानी जो भी होती है, हम जो भी बताते हैं पुराने शास्त्रों से प्रमाणित चीज बताते हैं, कोई मनगढ़ंत चीज हम कभी नहीं बताते। हमारे YouTube चैनल में जो भी आपको देखने को मिलेगा सब शास्त्रोक्त मिलेगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो मनगढ़ंत हो। प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में शास्त्रों से प्रमाणित चीज और ऋषि मुनियों से प्रमाणित चीज ही डाली जाती है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो, प्यारी सी कहानी। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के पास में बहुत सुंदर आलीशान एक महल था, और उस महल के पास ही एक बगीचा था। राजा अपने बगीचे में अच्छे अच्छे फूलों वाले पेड़ लगाता था, और अच्छे अच्छे फलों वाले भी पेड़ लगाता था। उसी बगीचे के बीच में एक अंगूर का पेड़ था। राजा के बगीचे को एक माली संभाला करता था। माली उस बगीचे की देखरेख किया करता था। प्रिय दर्शकों, माली ऐसी निगरानी रखता था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। माली अच्छी तरीके से राजा के बगीचे की देखरेख करता। राजा के उस बगीचे में हमेशा फुलवारी बनी रहती, हमेशा फल फूल लटके रहते। एक दिन की बात है कि एक चिड़िया उस बगीचे में आती है, और घूमती घूमती वो उस अंगूर के पेड़ पे जा बैठती है। वो चिड़िया मीठे मीठे अंगूर को खाती है, और खट्टे खट्टे अंगूर को तोड़ के नीचे गिरा देती है। इसी तरीके से वो चिड़िया अब रोज आने लगी, रोज उस अंगूर के पेड़ में आती और मीठे मीठे अंगूर खा जाती, और कच्चे खट्टे जो अंगूर थे तोड़ के नीचे गिरा देती। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। बाग की रखवाली करने वाला माली बड़ा परेशान हो चुका था। माली को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मीठे अंगूर को कौन खा जाता है और खट्टे अंगूरों को तोड़ के नीचे गिरा जाता है। इसी बात को लेकर के बाग की रक्षा करने वाला माली बड़ा दुखी होने लगा। माली सोचने लगा, क्यों न मैं इसका पता लगाऊं। और माली एक दिन पता लगाने के लिए छुप करके बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, माली एक टक निगाह करके और अंगूर के पेड़ को देखता रहता है कि कभी तो कोई न कोई जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, जैसे वो चिड़िया का समय होता है, और चिड़िया अंगूर के पेड़ पे आती है, और चिड़िया मीठे अंगूर को खाना शुरू करती है, और खट्टे अंगूर को तोड़ के नीचे गिरा देती है। उस माली की नजर उस चिड़िया पे पड़ जाती है। वो माली चिड़िया को पकड़ने का काफी प्रयास करता है, लेकिन चिड़िया बहुत चतुर थी। उस माली के कभी हाथ नहीं आई, कभी हाथ लगने वाली नहीं थी। जैसे माली चिड़िया पे प्रहार करने की कोशिश करता, चिड़िया फुर्रदिन उड़ जाती। माली रोज उस चिड़िया का पीछा करता, चिड़िया को पकड़ने का जतन करता,
लेकिन चिड़िया उस माली के हाथ नहीं आती। माली हथा परेशान हो चुका था। उधर राजा के महल से बार बार ये आदेश आता था कि माली अंगूर भिजवाए। अब अंगूर के पेड़ में मीठे अंगूर तो थे नहीं, क्योंकि चिड़िया खा जाती, और खट्टे अंगूर बचते थे जो भी नीचे गिरे हुए। माली उन खट्टे अंगूर को इकट्ठा करके और राजा के महल में भेजता। राजा जैसे खट्टे अंगूर को खाता तो राजा बड़ा क्रोधित हो जाता। एक दिन राजा ने उस माली को दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाकर और राजा ने कहा कि माली, ऐसी क्या बात है जो आजकल आप खट्टे अंगूर भेज रहे हो और मीठे अंगूर कहां जा रहे हैं? माली हाथ जोड़कर घबराता हुआ कहता है कि महाराज, बड़ी विडंबना की बात है, एक चिड़िया अंगूर के पेड़ में आती है और वो मीठे अंगूर खा जाती है और खट्टे अंगूर को तोड़ के नीचे गिरा देती है। हजारों जतन करने के बाद भी वो चिड़िया मेरे हाथ नहीं लगती, और रोज आना उसका काम है। माली की बात को राजा सुनकर और बड़ा चिंतित होता है। राजा माली से कहता है कि माली, आज से हम बाग की रखवाली करेंगे और हम अंगूर के पेड़ की रखवाली करेंगे। हम देखते हैं कौन सी चिड़िया आती है और कैसे वो चकमा देके चली जाती है। राजा सज धज करके और बाग में आ जाता है और छुप करके बैठ जाता है। जैसे चिड़िया का समय होता है, चिड़िया अंगूर के पेड़ में आती है और चिड़िया आकर के मीठे अंगूर खाना शुरू करती है और खट्टे अंगूर को तोड़ के नीचे गिराना शुरू कर देती है। जैसे चिड़िया का समय होता है, चिड़िया अंगूर के पेड़ पे आती है और मीठे अंगूर खाना शुरू करती है और खट्टे अंगूर को तोड़ के नीचे गिराना शुरू कर देती है। जैसे राजा चिड़िया को देखता है, राजा सोचने लगा कि चिड़िया आ चुकी है। प्रिय दर्शकों, राजा अंगूर के पेड़ के ऊपर एक जाल फेंकता है और जाल फेंक करके चिड़िया को जाल में फंसा लेता है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया जाल में फंस जाती है और राजा जाल में से निकालकर चिड़िया को अपने हाथों में दबोच लेता है। वो चिड़िया राजा से कहने लगती है, चिड़िया राजा से कहती है कि महाराज, यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको ज्ञान की चार बातें बताऊंगी। प्रिय दर्शकों, वो राजा अपने आप को बहुत चतुर समझता था। राजा ये सोचता था कि मेरे बरोबर कोई चतुर नहीं है। विद्वान लोग ये कहते हैं कि कभी कभी चतुर की चतुराई भी काम नहीं आती है। ऐसा ही इस राजा के साथ में होने वाला है। राजा जैसे चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ता है तो चिड़िया कहती है कि महाराज, मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आपको चार ज्ञान की बातें ऐसी बताऊंगी जो आपका जीवन बदल देंगी और आपको हर वक्त सहायता करने वाली ऐसी चार बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। यदि आप मुझे छोड़ते हैं तो ही मैं आपको चार बात बताऊंगी। राजा पहले सोचने लगता है, सोचता है कि मैं इस चिड़िया को छोड़ दूंगा तो ये उड़ जाएगी, लेकिन फिर लोभ आता है कि मैं इस चिड़िया को यदि छोड़ूंगा तो ये मुझे चार बात बताएगी और कह रही है कि ये चार बात मेरे बड़े काम की है, मुझे हर वक्त ये चार बात मेरी सहायता करने वाली है। राजा सोचने लगता है कि चिड़िया को तो फिर से पकड़ लेंगे, लेकिन ये चार बात मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। यही सोचकर राजा चिड़िया को थोड़ा ढीला छोड़ता है और चिड़िया से कहता है कि अब मैंने तुम्हें ढीला कर दिया है, अब तुम मुझे चार बात बताइए, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहती है कि ठीक है महाराज, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। चिड़िया एक बात बताती है और कहती है कि महाराज, हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहती है कि महाराज, हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि महाराज, मैंने आपको एक बात बता दी है, आप मुझे थोड़ा और ढीला कीजिए क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। राजा फिर चिड़िया पर विश्वास करता है और चिड़िया को फिर थोड़ा ढीला छोड़ता है और राजा फिर कहता है कि मैंने तुम्हें अब और ढीला कर दिया है, अब और बात बताइए। चिड़िया कहती है कि महाराज, अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
दूसरी बात चिड़िया कहती है कि अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि महाराज मुझे और ढीला कीजिए, मेरा दम घुट रहा है, मेरी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप मुझे ढीला नहीं करते हैं तो मैं मर जाऊंगी और आप इन बातों से वंचित रह जाएंगे। चिड़िया इतनी बात कहती है तो राजा और ढीला करता है और कहता है कि चिड़िया मैंने तुम्हें अब और ढीला कर दिया है, अब आप मुझे तीसरी बात बताइए। प्रिय दर्शकों, चिड़िया तीसरी बात कहती है। चिड़िया कहती है कि महाराज जो हो गया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। कहती है कि महाराज जो हो गया उस पर कभी भी पछताना नहीं चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि महाराज अब तो आप मेरी परेशानी को समझिए, मुझे और ढीला कीजिए वरना मैं खत्म हो जाऊंगी और आप आखिरी बात से वंचित रह जाएंगे। ये आखिरी बात बड़ी काम की है, बड़ी ज्ञानवर्धक है और आपको हमेशा भविष्य में ये आखिरी बात काम देगी। प्रिय दर्शकों, राजा चिड़िया की बात में आता है और चिड़िया को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है। चिड़िया राजा के हाथ पर बैठ जाती है और राजा कहता है कि मैंने अब तुम्हें बिल्कुल छोड़ दिया है, अब तुम मुझे वो आखिरी बात बताइए जो बड़े काम की है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया राजा से कहती है कि महाराज मेरे पेट के अंदर दो हीरे हैं। यह कहकर चिड़िया राजा के हाथ से उड़ जाती है। चिड़िया कहती है कि महाराज मेरे पेट के अंदर दो अनमोल हीरे हैं। इतनी बात कहकर चिड़िया राजा के हाथ से उड़ जाती है। प्रिय दर्शकों, राजा बड़ा क्रोधित होता है, बड़ा गुस्से में होता है और चिड़िया से कहता है यदि तुम दोबारा मेरे हाथ लगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। चिड़िया उड़ती हुई फिर राजा को जवाब देती है कि महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया है, सबसे बड़ी गलती की है। दूसरी बात मैंने बताया है कि अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने विश्वास किया कि मेरे पेट के अंदर दो अनमोल हीरे हैं जो इम्पॉसिबल है, जो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने मेरी बातों पर विश्वास किया। राजा चिड़िया से कहता है कि हां ठीक है, मैंने आप पे विश्वास किया है, मैं मूर्ख हूं इसलिए मैंने आप पर विश्वास किया है, लेकिन यदि तुम मुझे दोबारा हाथ लगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें दंडित करके रहूंगा। राजा इस बात को चिड़िया से कहता है। चिड़िया फिर राजा से कहती है कि महाराज मैंने तुम्हें आखिरी और तीसरी बात बताई थी कि जो हो गया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पश्चाताप कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, चिड़िया की चारों बात सुनने के बाद राजा को यह समझ में आ गया था कि चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यदि आप शत्रु को छोड़ेंगे तो वो आप पे कभी भी पलटवार कर सकता है, इसलिए हाथ आए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़े। दूसरी बात राजा को यह समझ में आती है कि अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यदि कोई लोग आपसे कुछ भी कहता है तो उस पर यकीन मत करो, जब तक कि आप अपनी आंखों से ना देखो तब तक आप किसी बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात राजा को समझ में आती है कि जो हो गया उस पर कभी भी पश्चाताप मत करो, अब तो आगे की रणनीति बनाना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, वो कभी लौट के नहीं आ सकता, इसलिए उस पर पश्चाताप करने से भी कोई फायदा नहीं है, यदि आप उस पर पश्चाताप करते हैं तो आप अपना ही नुकसान करोगे और ज्यादा नुकसान करोगे, इसलिए जो हो गया उस पर कभी भी पछताना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये चार बातें बड़ी अनमोल हैं, इसलिए इन चार बातों को अपने पल्ले गांठ बांध लो। यदि आप जीवन में सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इन चार बातों को अपने पल्ले गांठ बांध लो। हम उम्मीद करते हैं कि यह छोटी सी कहानी आपको आपके जीवन में बड़ी प्रेरणा देगी और आप इस कहानी से जरूर फायदा उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।